हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिसेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम नंबर लिखते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद हमने सिर्फ थोड़े से टर्म पढ़े थे कि रो मतलब क्या होता है, कॉलम मतलब क्या होता है, इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या होगा या फिर नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा या नॉन इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा, उतने टर्म्स देखे थे बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम चलो आगे पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि हमारे पास कितने टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। ऐसे अगर हम काउंट करने जाएंगे तो बहुत सारे अनलिमिटेड टाइप के मैट्रिसेस हमको मिलते जाएंगे, लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो ये 10 मैट्रिसेस की लिस्ट मैंने बनाई है। अब इससे ज्यादा भी होंगे कहीं पर, इससे कम भी हो सकते हैं, बट इतने मैट्रिसेस आपको पता होने चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, एडजॉइंट पढ़ेंगे, तो आपको और भी मैट्रिसेस के बारे में पता चलेगा। चलो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने लिखा है रो मैट्रिक्स। देखो बच्चों, डेफिनेशन में नहीं लिखा के दे रहा, डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, 11 की बुक देख लेना या फिर मैथ्स की कोई गाइड वाइड देख लेना जिसमें हो। तो मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, बस मतलब बता रहा हूं। रो मैट्रिक्स का मतलब, सबसे पहला रो मैट्रिक्स, तो रो लिखा है मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो बनेगा, उसमें कॉलम्स नहीं होंगे, सॉरी उसमें कॉलम्स होंगे लेकिन सिर्फ एक ही रो, मतलब एक रो में रहेगा वो, इट विल बी इन रो फॉर्म। तो कैसे बनेगा वो, कैसे होगा रो मैट्रिक्स, कैसे बनेगा फिर, एक ही रो होगा उसमें, एक ही रो बन सकता है इसमें, द मैट्रिक्स विच विल हैव ओनली सिंगल रो, वन रो, ओके, द मैट्रिक्स विच विल हैव ओनली वन रो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं इसके। अगर मैं एग्जांपल लिखने जाऊंगा तो ए इक्वल्स टू, हम कैसे लिखते हैं किसी कैपिटल लेटर में, ए इज इक्वल्स टू, कैसा मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, सिंगल रो बनेगा, 1, 2, 3, ये एक हो गया। इसका अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर कैसे आएगा, कैसे आएगा, 1 क्रॉस 3 आएगा, ओके। तो अगर एक ही रो रहता है तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। वैसे अगर मेरे पास अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो बी लिख ले, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चों, फिर एक ही कॉलम रहेगा, क्या रहेगा उसमें, एक ही कॉलम आएगा। रोज हम कितने भी ले सकते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ, चलो 1, 2, 3। इसका अगर मैं ऑर्डर लिखने जाऊँगा तो क्या आएगा ऑर्डर, देखो बच्चों यहाँ पर 3 क्रॉस 1, 1 नहीं, पहले आता है रो, रो क्रॉस कॉलम हमेशा होता है, रो क्रॉस कॉलम, तो रो कितने हैं यहाँ पर, 3 रोज 3 क्रॉस 1। ठीक है बच्चों, कोई डिफिकल्टी। चलो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब देखो बच्चों, इसमें ऑर्डर इक्वल नहीं होंगे, मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रेक्टेंगल कैसा होता है, लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ, पता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर इक्वल नहीं होगा, तो ये दोनों एक्चुअली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। अगर हम कहेंगे तो ये दोनों के दोनों एक्चुअली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ही एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है। अगर मैं नॉर्मल दूसरा कोई एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 3, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि क्या होगा, रो और कॉलम अलग अलग रहेंगे, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ गया क्या, नहीं समझा, ठीक है। चलो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ 1, इसमें क्या होगा, 1 क्रॉस 1 हो गया ये। अगर 2 क्रॉस 2 का बनाना है तो 1, 2, 3, 4, ये हो गया 2 क्रॉस 2। अगर 3 क्रॉस 3 का बनाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 3 क्रॉस 3। इसमें रोज एंड कॉलम इक्वल रहेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसके आगे की जितने भी मैट्रिक्स है, ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करने वाले है। यहाँ से जो नीचे के टर्म्स है, ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनमें से कोई भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा। समझ में आ गया। तो ये बेसिक ये चार टाइप रहेंगे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, ये चार हमारे बेसिक टाइप है। उसके बाद हमारे काम का कौन सा है सबसे ज्यादा, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग मैथ्स में स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी मैट्रिक्स हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो क्योंकि हमारे जितने कैलकुलेशन है वो सब हम रो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स पे करेंगे। तो चलो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल बोला है, तो डायगोनल मैट्रिक्स देखो डायगोनल बनेगा इसमें, कैसे बनेगा डायगोनल, तो डायगोनल मैट्रिक्स में देखो क्या होता है कि इट विल हैव अ डायगोनल टर्म, मतलब इसमें डायगोनल के टर्म्स आएंगे और बाकी के टर्म्स क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीरो। कैसे, देखो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो,
याद रखना मैंने क्या बोला कि यहाँ से जितने भी आएंगे ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो रो कॉलम सेम होना चाहिए। तो मैं इसका 2x2 का अगर बनाता हूँ तो 1, 2, 3, 4, लेकिन इसमें क्या बोला डायगोनल मैट्रिक्स, तो जो डायगोनल के टर्म होंगे उसको छोड़कर बाकी टर्म जीरो होंगे। क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल छोड़कर बाकी के टर्म जीरो होंगे। अगर मैं इसको 3x3 में लिखता हूँ तो कैसा हो जाएगा, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3। देखो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स, 3x3 है, 3x3 है, देखो ये 2x2 था, ये 3x3 है, सिर्फ डायगोनल के टर्म है, सिर्फ डायगोनल के टर्म दिख रहे कि नहीं दिख रहे बच्चों, सिर्फ डायगोनल के टर्म्स प्रेजेंट होंगे, बाकी के नॉन डायगोनल टर्म जीरो रहेंगे। क्या रहेंगे, जीरो। बात समझ में आ गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एडवांस वर्जन है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एडवांस वर्जन है। कैसे, वो रहेगा डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या रहेगा कि ये जीरो, बीच का टर्म, ये दोनों जीरो, लेकिन उसके जो डायगोनल के टर्म रहेंगे वो सेम रहेंगे, जैसे 2, 2, 2 लिखा है मैंने। तो अगर ये डायगोनल के टर्म सेम है, क्या है, डायगोनल के टर्म सेम है और बाकी के जीरो है, डायगोनल के टर्म सेम है और बाकी के नॉन डायगोनल टर्म जीरो है, तब हम उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको अपन, दिस वन इज स्केलर मैट्रिक्स। इसका और एक एग्जांपल कैसे लिखोगे आप, यहां पर लिख देता हूं मैं 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। समझ में आ रहा है। अब लेकिन स्केल मतलब देखो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स से बना डायगोनल मैट्रिक्स, समझे, स्क्वायर मैट्रिक्स से बना डायगोनल मैट्रिक्स। क्या था डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा लेकिन सिर्फ डायगोनल में टर्म रहेंगे, बाकी के टर्म जीरो रहेंगे। उसके बाद बना स्केलर, डायगोनल से बना स्केलर। स्केलर कैसे बना कि डायगोनल के टर्म जीरो, डायगोनल के टर्म में सेम रहेंगे, डायगोनल के टर्म सेम रहेंगे, बाकी के टर्म जीरो हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी। तो स्केलर से बनेगा आइडेंटिटी, ये जो है देखो डायगोनल में सारे के सारे वन है, बाकी के जीरो, तो ये हुआ हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हमारे सबसे काम का है इन सब में, क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं। ये कौन सा है, 3, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3, तो इसका अगर मुझे 1x1 का बनाना है तो कैसे बनेगा, 1, 0, 0, 1, ये 3x3 का है, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है क्या आइडेंटिटी मतलब, हाँ आइडेंटिटी का मतलब ही डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स, क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी। देखो इसलिए तो मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो रहा था कि रो कॉलम इक्वल हो रहे थे, फिर क्या हुआ डायगोनल मैट्रिक्स में रो कॉलम इक्वल है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही है लेकिन सिर्फ डायगोनल के टर्म रहेंगे, बाकी के टर्म जीरो रहेंगे, बाकी के टर्म जीरो रहेंगे। फिर इसका एडवांस वर्जन स्केलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा डायगोनल के टर्म ही रहेंगे लेकिन वो सारे सेम रहेंगे। समझ में आ रहा है। अब स्केलर मैट्रिक्स के एडवांस कि जो सेम टर्म थे वो हमेशा वन ही रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है क्या। अब आइडेंटिटी के बाद यहाँ तक कि ये सब लिंक में देखो दिख रहा है, ये सारे लिंक में, इसके बाद हम आगे बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स मतलब देखो जीरो, अगर कोई भी मैट्रिक्स में पूरे टर्म जीरो है, अगर एक जीरो है या पूरे टर्म जीरो है, सिंगल मैट्रिक्स या कोई भी हो, अगर मैट्रिक्स के सारे टर्म जीरो है तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि ये था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैसे ही इसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है, कोई डिफिकल्टी इसमें। ओके, अब आता है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, कि ऊपर ट्रायंगल बनेगा और नीचे ट्रायंगल बनेगा। ऊपर ट्रायंगल बनना, अब देखो मैंने क्या बोला था कि ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं एक अपर ट्रायंगुलर के लिए एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाता हूँ। कैसे, वही बनाता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें बोला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ऊपर ट्रायंगल बनने वाला है, तो जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहता है तो उसकी डायगोनल, इसका डायगोनल क्या हो गया, ये हमारा डायगोनल हो गया, ये हमारा डायगोनल हो गया। समझ में आ रहा है, तो उसके डायगोनल के नीचे के जो टर्म रहेंगे वो टर्म रहेंगे जीरो। बात समझ में आ रही है, तो ऊपर ट्रायंगल बन गया, इसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे हम से, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसका उल्टा रहेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मुझे बनाना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल के नीचे ट्रायंगल बनेगा। ये डायगोनल हुआ, नीचे का ट्रायंगल बनेगा, मतलब ऊपर के टर्म क्या हो जाएंगे जीरो। बात समझ में आ रही है, सारे के सारे मैट्रिक्स समझ में आए। बेसिक 10 मैट्रिसेस है, एकदम सीक्वेंस में जाना है। सीक्वेंस में ध्यान में रखोगे तो याद आएगा, रो मैट्रिक्स सिर्फ एक रो रहता है, कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम रहेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम इक्वल, 1x1, 2x2, 3x3,
डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, लेकिन जिसमें सिर्फ डायगोनल रहेंगे बाकी के सारे जीरो, सेम नहीं डायगोनल रहेंगे बाकी के जीरो। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल सेम आ जाएगा जैसे कि ये, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल सेम लेकिन वन रहेगा, हमेशा वन रहेगा। फिर जीरो मैट्रिक्स तो जीरो, और अपर ट्रायंगुलर में ऊपर ट्रायंगल बनेगा, लोअर ट्रायंगुलर में नीचे ट्रायंगल बनेगा। बात समझ में आ गई, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गए, ठीक है इसको नोट करो। चलो पहले डेफिनेशन आप अपने मन से लिख भी सकते हो, बुक से भी रेफर कर सकते हो। डेफिनेशन आपको बोर्ड्स में नहीं पूछी जाती, कॉम्पिटेटिव में कभी कभी बहुत रेयर चांस में कभी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है इसको नोट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हमें मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन भी पता है, उसके टाइप्स भी पता है, तो चलते हैं हम मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशन, जैसे हम नॉर्मल नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखते हैं बच्चों, तो डिटरमिनेंट मतलब सॉरी मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स के कुछ बेसिक ऑपरेशन सीखते हैं, उसमें भी मैट्रिक्स में भी हमें प्लस सीखना है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का प्लस कैसे होता है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स का माइनस कैसे होता है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। बच्चों डिवीजन नहीं करते हम लोग, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, और एक स्पेशल है डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम का है, तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलो एक एग्जांपल पे, एक 2x2 का एग्जांपल और एक 3x3 का एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। पहला एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, चलो वही 1 2 3 4 मेरे प्यारे नंबर 1 2 3 4 ले लेते हैं हम लोग। इसका हमें डिटरमिनेंट लेना है, तो डिटरमिनेंट लेने के लिए हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, एब्सोल्यूट का आपने सिंबल देखा होगा, इस ए के सामने इसको पैक कर देते हैं, इसके आजू बाजू में दीवार लगा देते हैं, तो ये मैट्रिक्स हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बात समझ में आई है, सिर्फ वो सिंबल है, तो हम इस मैट्रिक्स को भी ऐसा ब्रैकेट हटाकर इनको भी दीवार लगा देंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है अभी ये आपको। इसमें आपको क्या करना होता है डिटरमिनेंट निकालते वक्त, कि जो सबसे पहला टर्म है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है 1 into 4, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 1 into 4। बात समझ में आई, और सेकेंड हमें करना होता है इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बीच में माइनस आएगा, याद रखना कि पहला टर्म को चेंज नहीं करना है, दूसरे में माइनस आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 3 जा, ये क्या हो जाएगा 4 minus 6, तो आंसर कितना आएगा -2। बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, क्या किया मैंने, सिर्फ फर्स्ट टर्म को इस क्रॉस पे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा करना है इसको, ठीक है। एक एग्जाम्पल माइनस वाला लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, एक लेता हूँ मैं 5 6 2 3। चलो यहाँ पर हम m का डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5 6 2 3। अब चलो मैं इसको माइनस बना देता हूँ, 2 को मैंने माइनस बना दिया, तो क्या होगा, पहले तो 5 3 सा होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 into 3 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा -2 into 3 -2 into 6। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, 15 + 12 कितना आएगा आंसर आएगा 27। समझ में आ गया, तो 2x2 का तो बड़ा ही आसान होता है। चलो अब हम 3x3 का डिटरमिनेंट देखते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर बहुत ध्यान देंगे आप कैसे होगा 3x3 का डिटरमिनेंट। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ S = एक सिंपल सा मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3, छोटे नंबर लिया ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन हमें इजी भी मतलब मैं इजीली मल्टीप्लाई कर सकूं, मुझे बड़े टेबल्स नहीं आते बच्चों। ओके, तो चलो इसका हम लेंगे डिटरमिनेंट, कैसे सिंबल करेंगे, एस को हमने दीवार में डाल दिया, तो इन नंबर को भी हम दीवार में डाल देते हैं। अब कन्फ्यूजन है कि सर यहाँ पर 2 थे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता था, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, है ना, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पहला नंबर लेना है 1, इसके बाद क्या करना है कि जो 1 के नीचे के नंबर है उसको आपको गायब कर देना है, समझना है कि वो है ही नहीं वहाँ पर। बात समझ में आ रही है आपको, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है 5 3 जा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा 5 3 जा कितना होता है बच्चों, इसको मैंने ब्रैकेट ले लिया 5 3 जा 15। समझ में आया क्या, कैसे आया, वो 1 लिखा था मैंने 1, तो 1 के सामने ये दोनों गायब कर दिए, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब -2 6 12, समझा इतना, ये क्या किया मैंने 1 लिया था तो इसके नीचे के टर्म भूल गया, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जैसे मैंने इनको क्रॉस किया था, ध्यान में आ रहा है क्या इतना। अब देखो मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 के नीचे के टर्म गायब कर देना है, 2 के नीचे के टर्म चलो मैंने गायब कर दिया, सपोज मैं गायब कर देता हूँ असली में ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, तो अब कैसे क्रॉस करेंगे, ये इसके साथ क्रॉस होगा 4 3, मतलब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 2, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, बीच वाले में माइनस साइन लगेगा, अब 4 3 जा 12 -1 6 जा 6, समझ में आ गया, तो ये हो गया इसका हो गया। अभी मैं आपस में 5 2 लिख देता हूँ इसके,
अब मेरे पास टर्म कौन सा बचा है, थ्री, लास्ट का टर्म बचा है मेरा थ्री, तो इसमें साइन नहीं चेंज करना है, इसमें जो थ्री का साइन रहेगा वही यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो मैं प्लस ही साइन लिखता हूँ, प्लस थ्री, तो अब देखो प्लस थ्री लिखा है तो इसके नीचे का टर्म गायब कर दिया, फिर से वही मल्टीप्लीकेशन, फोर टू ज़ा एट माइनस वन फाइव ज़ा फाइव, बात समझो, क्या बात समझ में आ रही है, क्या किया है, अब देखो अब आपको ये इजीली समझ जाएगा धीरे धीरे, अब क्या किया मैंने इसको, बस आपको सॉल्व करना है, तो 15 माइनस 12 3, 1 3 ज़ा 3, माइनस 2 इंटू 12 माइनस 6 4, 2 4 ज़ा 8, प्लस 8 माइनस 5 3, 3 3 ज़ा 9, तो इसको प्लस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, 1 प्लस 3 4, 4 आंसर आएगा, बात समझे, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, लेकिन पहले इसको लिख लो, चलो तो हमने डिटरमिनेंट देखा 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का भी देखा, तो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बहुत सिंपल है, इसलिए 3 क्रॉस 3 के और क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, कैसे करना है, बेसिक टर्म आपको याद रखना है कि स्टेप्स क्या है, सबसे पहला हम क्या करते हैं, जो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, अब देखो मैं डिटरमिनेंट ही सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं वो स्टेप नहीं लिख रहा कि मैं एक्स को ऐसा बना दूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, बात समझ में आ रही है, जो मैंने बोला था ना कि इसको ब्रैकेट हटाकर यहाँ पर भी दीवार बनाना है, वो स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म है वो टर्म वैसा का वैसा लिखना, माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट होगा, इसके नीचे के दोनों टर्म गायब कर देंगे आप लोग, ये दोनों टर्म गायब हो गए तो सिर्फ इन दोनों की बात करना है, क्या होता है 2 3 ज़ा 6, फिर क्या होता है माइनस आता है, प्लस नहीं, क्या आता है माइनस, और इसको क्रॉस कर दे 2 1 ज़ा 2, बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया, अब मिटा देता हूँ मैं इसको क्योंकि इसकी ज़रूरत खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, चलो अब क्या करना है, सेकेंड टर्म पे आते हैं, सेकेंड टर्म है 2, तो यहाँ पर जब भी सेकेंड टर्म लेंगे तो उसका साइन हम चेंज करते हैं, क्या करते हैं हम उसका साइन चेंज करना पड़ता है, और वहाँ पे प्लस 2 है तो हम यहाँ पर बना देंगे उसको माइनस 2, बात समझ में आ रही है, क्या बनाएंगे उसको माइनस 2, वापस ब्रैकेट, इसके जो नीचे के टर्म है ये समझ लेना कि गायब हो गए, ये दोनों टर्म गायब हो गए, तो हम क्या करते हैं, अब ये सपोज गायब हो गए तो क्रॉस कैसे होगा, 3 क्रॉस 3, तो यहाँ पर आएगा 9, माइनस माइनस 1 इंटू 1, तो माइनस 1 1 जा माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1 होता है ना, तो ये अब इसका भी काम हो गया, क्या नंबर थे यहाँ पर, नंबर क्या थे 4 5, ठीक है पक्का 4 5 नहीं थे, 2 था यहाँ पर, 2 था, 2 3 से 6 था, और यहाँ पर 2 1 था, 2 था, ठीक है, ओके, सो 9 माइनस माइनस 1, देन ये हुआ बीच का टर्म, यहाँ तक समझ में आ गया, अब लास्ट टर्म लेना है, लास्ट टर्म का जो साइन होगा वही साइन लेंगे हम यहाँ पर, फिर से लास्ट टर्म के जो नीचे का टर्म है उसको गायब कर देना, और इन दोनों टर्म का क्रॉस करेंगे हम, तो देखो 3 2 ज़ा 6, माइनस इन दोनों का टर्म माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, समझ में आ गया, क्या होगा फिर, अब इसको सॉल्व करना है, बस आंसर निकालना है, बस ये स्टेप समझ में आ गया आपको कि कहाँ पर क्रॉस करना है, किसको गैप करना है, तो आपको इसका आंसर बहुत इजीली आएगा, सिर्फ मिडल टर्म में साइन चेंज करना पड़ता है, इतना भी ध्यान में रखो, क्या आएगा देखो, माइनस वन बाहर है, 6 माइनस 2 4, माइनस 2 बाहर, इधर देखो 9 माइनस माइनस 1 मतलब 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 प्लस 3 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 4 माइनस 20 प्लस कितना हो जाएगा 24, ये दोनों होगा तो 4 आ जाएगा, इन दोनों के माइनस करने पे 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4 तो आंसर आएगा 0, समझ में आ गया, ठीक है क्लियर है, वैसे ही अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, पाई वाले को सेम मेथड से सॉल्व करना है, बस माइनस प्लस थोड़ा ध्यान में रखेंगे, चलो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ पाई निकाल रहा हूं मैं, सबसे पहला फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म के नीचे की जो टर्म है उसको गायब समझना है कि वो है ही, ओके मैं एक बता देता हूं फिर आपको होमवर्क देता हूं दो क्वेश्चन, चलो ये हम अज्यूम करते कि है ही नहीं कुछ, क्रॉस कैसे होगा, 5 5 जा माइनस 25, ये माइनस है माइनस 3 2 जा 6, बात समझ में आ गई कैसे क्रॉस किया मैंने, 5 5 जा माइनस 25 है, माइनस था इसलिए माइनस 5 इंटू 5 माइनस 25, 3 2 जा 6 हो गया माइनस 6, फिर बीच वाले टर्म की साइन चेंज होती है, तो चलो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको माइनस ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, प्लस, जो बीच का टर्म होता है उसकी साइन चेंज करनी होती है, देखो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हुआ, तो यहाँ पर ये पहले से माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू इसके नीचे के टर्म हम कैंसिल कर देंगे, 4 5 जा 20 माइनस 7 इंटू 2 14, लास्ट टर्म है 6, साइन नहीं चेंज होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, 6
प्लस सिक्स इंटू ये दोनों गायब, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व माइनस सेवन फाइव ज़ा माइनस थर्टी फाइव। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतना? कोई डिफिकल्टी? इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, थ्री माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स कितना होगा माइनस थर्टी वन, प्लस टू इंटू फोर्टीन, ट्वेंटी माइनस फोर्टीन सिक्स हो जाएगा, प्लस सिक्स ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, ट्वेल्व प्लस थर्टी फाइव हो जाएगा फोर्टी सेवन। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस नाइन्टी थ्री, प्लस ये हो जाएगा ट्वेल्व, प्लस ये हो जाएगा सिक्स सेवन ज़ा कितना होगा फोर्टी, सिक्स सेवन ज़ा फोर्टी टू, फोर्टी टू हाँ ओके फोर्टी टू, टू सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर, प्लस फोर कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट, टू एटी टू। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आप सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर वन, ए इज इक्वल्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सिक्स थ्री, ठीक है। और बी, सेकेंड क्वेश्चन बी, एक और होमवर्क देता हूँ जिसमें आपको यूज़ करना है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, ज़ीरो थ्री फोर, ठीक है। ये दोनों के आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करके लाना है। समझ में आ गया? तो ये दोनों आपको होमवर्क करेंगे, क्लियर? कोई डिफिकल्टीज में तो डिटर्मिनेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आएगा तो आगे के हम मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली, क्लियर है? कोई डिफिकल्टीज में तो अगर डिफिकल्टी होती है तो क्या करना है आपको, कमेंट में लिख के बताना है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब अभी हमारा डिटर्मिनेंट का हमने सॉरी मैट्रिसेस का हमने डिटर्मिनेंट देखा, कुछ जो बेसिक ऑपरेशन है एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, पर जाने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा आपसे, क्या करना है आप लोगों को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं।